हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि सीजीएल के एग्ज़ाम मार्च में होने वाले हैं और सीएचएसएल के एग्ज़ाम्स भी हैं, तो सभी स्टूडेंट्स की तैयारी कर रहे हैं। और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मॉक टेस्ट की। इसमें 25 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा और इस सीरीज़ के थ्रू आप अपने कॉन्सेप्ट, डाउट एंड टेस्ट, ये तीन चीज़ें अपने क्लियर कर सकते हैं। जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप क्लियर कर पाएंगे इस सीरीज़ के थ्रू। अपने डाउट्स आप पूछ पाएंगे, कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स लिख सकते हैं और आप अपना एक इवेल्यूएशन टेस्ट आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं 25 क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा। तो इन 25 क्वेश्चन को आप खुद भी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आप असेस कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ में जो क्वेश्चन रहेंगे वो टीयर वन एंड टीयर टू दोनों के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, हाईली यूजफुल क्वेश्चन रहेंगे। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये सीरीज जो है ये इन सभी एग्जाम्स के लिए हाईली यूजफुल रहेगी, सीजीएल, सीपीओ, स्टेनो, सीएचएसएल और एमटीएस एग्जाम। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सीरीज की। आप इसमें एक काम और कर सकते हैं, यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप अपना टेस्ट भी दे सकते हैं। इस जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है आप इसको पॉज करें और क्वेश्चन को खुद करें और इस तरीके से आप आउट ऑफ 25 अपने मार्क्स देख सकते हैं कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। और कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन करूंगा, डाउट्स आप अपने कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं तो उनको भी मैं क्लियर करूंगा। देखिए, अब एसएससी एग्जाम्स में थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है। पहले पहले ग्रुप्स में क्वेश्चंस आते थे, जैसे जैसे 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आपके इधर के आ गए या फिर 10 क्वेश्चन आपके पैराजम्बल के आ गए, लेकिन अब पैटर्न चेंज हो गया है। मिक्स्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, स्कैटर्ड फॉर्म में पूछे जाएंगे, एक आपसे स्पॉटिंग एरर का, एक पैराजम्बल का, एक क्लोज टेस्ट का, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और सभी क्वेश्चंस में ये डायरेक्शंस जरूर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आपके सामने है और ये इरर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, व्हेन आई एंटर्ड द ड्राइंग रूम आई सॉ अ डेंजरस स्नेक क्राउलिंग ऑन द ग्राउंड। देखिए, ये टिपिकल एसएससी क्वेश्चन है। टिपिकल एसएससी क्वेश्चन का मतलब ये है कि इसमें 3 या 4 कॉन्सेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन को बनाया गया है, ठीक है। देखिए, स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो सकता है कि एंटर्ड के बाद इनटू आएगा या नहीं आएगा। तो एंटर्ड का मतलब होता है गो इनटू, यानी इसमें इनटू पहले से ही लगा रहता है, यानी इसमें इनटू नहीं आएगा, यानी इस पार्ट में कोई गलती नहीं है। व्हेन आई एंटर्ड द ड्रॉइंग रूम, यहाँ तक इसमें कोई गलती नहीं है, ये पास्ट टेंस है, ठीक है। आई सॉ, ये भी सही है, आई सॉ, क्योंकि ये पास्ट टेंस है। मैंने देखा, मैंने क्या देखा, एक डेंजरस स्नेक, आ डेंजरस स्नेक, ए यहाँ पर सही है क्योंकि ये स्नेक के लिए लगा है, काउंटेबल नाउन है। क्राउलिंग ऑन द ग्राउंड, क्राउलिंग का मतलब होता है रेंगना, तो रेंगने का जो काम होता है वो होता है सरफेस पर, ना कि ग्राउंड पर। ये काफी क्लोज क्वेश्चन है और काफी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ग्राउंड का मतलब मैदान भी होता है, लेकिन यहां पर हम सरफेस की बात कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, यहां पर हम फ्लोर की बात कर रहे हैं ना कि ग्राउंड की, क्योंकि स्नेक जो क्राउलिंग करता है वो सरफेस पर करता है। बहुत ही क्लोज ये क्वेश्चन है और काफी अच्छा ये क्वेश्चन है। तो ग्राउंड वर्ड यहां पर इनअप्रोप्रिएट है, सी इसमें आपका आंसर होगा और सी दिया है थर्ड में, तो थर्ड इसमें आपका आंसर होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ये सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को आप पहले खुद ट्राई कर सकते हैं कहां पर इसमें गलती है। ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फॉर्मर इज बिगेस्ट। देखिए, जब दो चीजें होती हैं तो एक होता है फॉर्मर और एक होता है लेटर, एक होता है पहले वाला और एक होता है बाद वाला। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पहले वाले प्राइम मिनिस्टर जो कि अब नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मर और लेटर दो में हम दो ही चीजें बोलते हैं, एक फॉर्मर होता है और एक लेटर होता है। तो यहां पर आपको दो के लिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना पड़ेगा। बिगेस्ट जो कि एक सुपरलेटिव डिग्री है, उसका यूज हम तब करेंगे जब हम किसी ग्रुप की बात करें। यहां पर केवल दो ही एंटिटी है, ठीक है। ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फॉर्मर इज वॉट, द फॉर्मर इज बिगर, पहले वाला बड़ा है। मतलब जब दो चीजें होंगी तो उसमें एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा, ठीक है। तो बिगेस्ट ना बोलते हुए यहां पर हम बोलेंगे बिगर, यानी सी इसमें आपका सही आंसर होगा। और ऑप्शंस भी देखिए किस तरीके से दिए गए हैं, ये नया पैटर्न है, ए बी सी डी ना देते हुए इसमें मिक्स कर दिया गया है पैटर्न को, ठीक है। तो सी इसमें आंसर होगा, सी दिया है थर्ड में, तो थर्ड यहां पर आपका आंसर होगा। पूरे वीडियो क्लास को आपको एंड तक देखना है, डेफिनेटली बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें आपको समझ में आएंगे। अब देखिए, ये एक नए तरीके का क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। वी वर कंप्लीटली टेकन ऑफ बाय द स्टेट एजेंट हु
हु टर्न आउट टू बी अ क्रुक। इसमें भी देखिए काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को मिला दिया गया है। टर्न आउट टू बी का मतलब क्या होता है? टर्न आउट टू बी मतलब प्रूव टू बी, मतलब किसी को आपने कुछ सोचा था और वो कुछ और निकला, ठीक है। एक व्यक्ति को आपने ईमानदार सोचा था लेकिन वो बेईमान निकला, टर्न आउट टू बी वो कुछ और निकला। टर्न आउट टू बी का मतलब होता है कि वो कुछ और निकला। तो यहां पर स्टेट एजेंट यानी एक प्रॉपर्टी एजेंट की इसमें बात हो रही है जो कि क्रुक निकला। क्रुक मतलब बेईमान या धोखेबाज व्यक्ति निकला। तो वी वर कंप्लीटली टेकन ऑफ। टेकन ऑफ का मतलब क्या होता है? टेक ऑफ योर शूज, अपने जूते उतारो, ठीक है, अपनी टोपी उतारो। टेक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को अलग करना, जैसे टेक मतलब लेना, ऑफ मतलब कोई चीज दूर जाती है। टेक ऑफ को नॉर्मली हम शूज उतारना, कपड़े उतारना, टोपी उतारना, इस सेंस में हम यूज करते हैं। तो क्या यहां पर टेक ऑफ का कोई सेंस बन रहा है? यहां पर तो ये सेंस बन रहा है कि हमें देखिए क्रुक जो होता है वो क्या काम करेगा? क्रुक एक धोखेबाज व्यक्ति, क्या एक बेईमान व्यक्ति क्या काम करेगा? वो धोखा देगा, तो डिसीव करेगा आपको। तो उसके लिए टेकन ऑफ ना बोलते हुए हम बोल सकते हैं टेकन इन। टेकन इन मतलब उसके द्वारा हमें कंप्लीटली धोखा दिया गया। तो ए पार्ट इसमें रॉन्ग है और ए दिया है थर्ड में, यानी थर्ड इसमें आपका सही आंसर होगा। तो ये है सही तरीका क्वेश्चन को करने का। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है, इट इज अ ट्रुथ। देखिए यदि आप बोलते हैं कि इट इज ट्रू तो ट्रू एक एडजेक्टिव होगा, यदि आप ट्रुथ बोल रहे हैं तो ये एक नाउन है और नाउन से पहले ए लगाना जरूरी है। तो ए यहां पर बिल्कुल सही लगा हुआ है, इट इज अ ट्रुथ, ये एक सच्चाई है। वो सच्चाई क्या है उसको यहां पर एक नाउन क्लॉज के द्वारा बताया गया है। देखिए इट इज अ ट्रुथ, यह एक सच्चाई है। वो सच्चाई क्या है? तो यहां पर नाउन ही आ सकती है या नाउन इक्विवेलेंट आ सकता है। तो ये नाउन क्लॉज के रूप में यहां पर एक सेंटेंस रखा गया है, दैट दोज हु आर जेलस ऑफ अदर्स, कि वे लोग जो दूसरों से जेलस होते हैं नेवर गेट पीस इन लाइफ, उनको कभी भी अपनी लाइफ में शांति नहीं मिलती है। तो चूंकि अदर्स की बात हो रही है इसलिए यहां पर ये जो गेट वर्ब है ये सही है, गेट्स अगर होगा तो ये गलत हो जाएगा। और गेट के बाद पीस यानी शांति यहां पर एक ऑब्जेक्ट के रूप में ये काम कर रहा है। तो इस पूरे सेंटेंस को यदि आप एनालाइज करें तो ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, यानी डी इसमें आपका आंसर होगा। डी कहां पर दिया है? डी दिया है ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो इसमें आपका आंसर होगा सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके से एनालाइज करते हुए इन क्वेश्चंस को आपको करना है। और यदि आप CGL या CHSL के लिए मेरी पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। माय नेबर रमाशंकर इज टेलिंग। देखिए यहां पर एक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, एक होता है से, एक होता है टेल। टेल में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है क्योंकि टेल का मतलब बताना। जब आप बताते हैं तो किसी व्यक्ति को बताते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं तो कुछ भी कहते हैं। कहने का मतलब है कि टू अटर समथिंग, कोई भी चीज का आपके मुंह से निकलना, उसको हम बोलते हैं से। लेकिन टेल का, टेल के लिए एक सामने वाला व्यक्ति जरूरी है क्योंकि उसी को आप टेल करेंगे। बताना, बताना मतलब किसी दूसरे को बताना, यानी टेलिंग में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। तो या तो आप बोल सकते हैं कि माई नेबर रमाशंकर इज टेलिंग मी, या तो आप ऐसे बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं माई नेबर रमाशंकर इज सेइंग, ठीक है, या तो टेलिंग मी या सेइंग, इन दोनों में से कोई भी एक बोल सकते हैं। टेलिंग यहां पर सही है क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इसको इस तरीके से बोला जा सकता है। तो ए पार्ट जो है ये इसमें गलत है और ए दिया है फोर्थ में, तो फोर्थ यहां पर आपका आंसर होगा। सेम इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको CGL, CHSL और दूसरे सभी एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहां पर भी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। टी ग्रोज बोथ इन असम एंड सीलोन। यहां पर देखिए दो कॉन्सेप्ट को जोड़ा गया है, एक कॉन्सेप्ट ये है अभी मैं क्लियर करता हूं आपको, और यहां पर एक बोथ और एंड का कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है। बोथ और एंड जो है ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, ठीक है, जैसे नीदर नॉर होता है, ईदर और होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो एलिमेंट बोथ के बाद आएगा, ये दो एलिमेंट है, एक बोथ है और एक एंड है, तो जो एलिमेंट बोथ के बाद आएगा जिस तरीके से वो ही इसमें एंड के बाद आएगा। तो
इसमें बोथ के बाद इन असम दिया है और एंड के बाद यहाँ सीलोन दिया, इनको एक्चुअली कॉमन ले लिया है यहाँ पर, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। चलिए ये पार्ट तो खैर इसमें सही है, इसमें यहाँ पर कोई गलती नहीं है। और यहाँ पर देखिए टी ग्रोज, चाय उगती है। अब यहाँ पर आप देखिए कि चाय उगती है असम में और सीलोन में, क्या ये कहना सही है, या इसके स्थान पर आपको ये कहना चाहिए कि चाय को उगाया जाता है। ठीक है, तो ये कहना सही होगा कि चाय को उगाया जाता है। तो चाय को उगाया जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि चाय यानी टी, इसके ऊपर कोई काम होगा, टी कोई काम नहीं करेगी, टी के ऊपर कोई काम होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये पैसिव वॉइस में लिखा जाएगा। पैसिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में डूअर काम करता है, जबकि पैसिव वॉइस में डूअर के ऊपर कोई काम होता है। सॉरी, तो यहां पर आप बोलेंगे टी इज ग्रोन, टी इज ग्रोन यहां पर आप बोलेंगे, यानी ए इसमें आपका सही आंसर होगा। ए दिया है फोर्थ में, तो फोर्थ इसमें आपका सही आंसर होगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए और मुझे बताइए, मैं आपके सारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, क्योंकि इन क्लासेस के थ्रू मैं आपके कॉन्सेप्ट, आपके डाउट और आपका एक इवेल्युएशन टेस्ट ये कंडक्ट करूंगा। ये सीरीज का पर्पज है ताकि सीजीएल एग्जाम में और सीएचएसएल एग्जाम में आपको सक्सेस मिले। अब यहां पर देखिए, द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। ड्राइवर ने दिखाया, ड्राइवर ने दिखाया, क्या दिखाया, ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज कार। यहां पर किसी एक्सीडेंट की बात हो गई है, कार डैमेज हो गई है, उस डैमेज कार को, जब जब कार डैमेज हो जाती है तो वो इधर उधर, वो कंट्रोल उसका सही नहीं रहता है, लेकिन ड्राइवर ने एक टैलेंट दिखाया कि उस डैमेज कार को कंट्रोल में रखा। तो डैमेज कार को कंट्रोल में रखना, ये एक टैलेंट है या ये एक स्किल है, ये एक स्किल है। अब देखिए टैलेंट और स्किल में क्या अंतर है, टैलेंट जो होता है वो गॉड गिफ्टेड होता है, इनबॉर्न होता है, टैलेंट को सीखा नहीं जा सकता, स्किल को सीखा जा सकता है। स्किल इज ए लर्नेबल एक्टिविटी, ठीक है, लर्नेबल है वो, टैलेंट लर्नेबल नहीं होता। तो यहां पर टैलेंट के स्थान पर यदि स्किल हम यूज करें तो ये सेंटेंस सही होगा, तो बी इसमें आपका सही आंसर होगा। देखिए आजकल ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस इस तरीके के पूछे जा रहे हैं जिसमें अंडरस्टैंडिंग आपकी चेक की जाती है, ना कि आपका ग्रामेटिकल एक्सपर्टीज, ग्रामेटिकल एक्सपर्टीज की अपेक्षा आपकी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको उसको चेक किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस ही हैड इन द जेल। यहां पर क्या बात हो रही है, यहां पर ये अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि वो जेल में रहा है, और जेल में रहा है इसका मतलब ये है कि इस जेल को हम इसके प्राइमरी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। देखिए किसी भी बिल्डिंग को, जैसे जेल है तो उसका प्राइमरी पर्पस क्या है, कि कोई आदमी, कोई अपराधी वहां पर जाएगा और सजा वहां पर भुगतेगा, और सेकेंडरी पर्पस क्या है कि जेल को हम एक बिल्डिंग की तरह यूज कर सकते हैं, वहां पर एक मीटिंग पॉइंट हो सकता है, वहां पर हम किसी से मिलने जा सकते हैं। ठीक है, तो जब इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को, जैसे जेल हुआ, चर्च हुआ, टेंपल हुआ, हॉस्पिटल हुआ, इनको हम प्राइमरी पर्पस के लिए यूज करते हैं तो इसमें हम दा नहीं लगाते, जब सेकेंडरी पर्पस के लिए यूज करते हैं तो दा लगाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ग्रामर का। तो यहां पर इसको हम, चूंकि अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस की बात हो रही है, अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस मतलब वो जेल में रहा है, जब वो जेल में रहा है तो इसका मतलब इसको हम प्राइमरी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, और प्राइमरी पर्पस के लिए जब हम यूज करेंगे तो हम बोलेंगे इन जेल। जैसे हम बोलते हैं ही इज स्टडिंग इन स्कूल, इन द स्कूल नहीं, ठीक है, ही इज इन स्कूल, ही इज इन द स्कूल नहीं, ही इज इन स्कूल। तो प्राइमरी पर्पस के लिए जब हम यूज करेंगे इसको तो इन ऑब्जेक्ट्स के पहले दा नहीं आएगा, यानी सी यहां पर आपका सही आंसर है, तो थर्ड इसमें आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, यह भी एक अच्छा सेंटेंस है, इंजन्स यूज्ड इन स्पेस शटल्स आर मच लार्जर एंड मोर स्ट्रोंग। देखिए मोर स्ट्रोंग हम नहीं बोलेंगे, जो दो सिलेबल वाले वर्ड होते हैं जैसे ब्यूटीफुल हुआ, इंटेलिजेंट हुआ, उसमें हम मोर लगाते हैं, स्ट्रॉन्ग में हम मोर नहीं लगाएंगे। यहां पर सिंपल हम स्ट्रोंगर बोलेंगे, जैसे यहां पर ये लार्जर है वैसे ही यहां पर हम स्ट्रोंगर बोलेंगे। ठीक है, मच पॉजिटिव डिग्री है, लार्जर कंपैरेटिव डिग्री है, पॉजिटिव और कंपैरेटिव को हम जोड़ सकते हैं, तो ये पॉजिटिव और कंपैरेटिव हुई और ये भी कंपैरेटिव डिग्री हुई।
ठीक है, मच को हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पर स्ट्रॉन्गर हम वर्ड बोलेंगे, और स्ट्रॉन्गर किसमें दिया है, सी में, तो इसमें आंसर होगा आपका थर्ड। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा ये क्वेश्चन है, और SSC एग्जाम में टीयर वन या टीयर टू में कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिए कि कॉन्सेप्ट आपके चेक किए जाएंगे, और मैं सारे कॉन्सेप्ट ही आपको बता रहा हूं। देखिए नॉट अ वर्ड ही स्पोक, एक एडवर्ब में एक कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी सेंटेंस यदि नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है तो वहां पर सब्जेक्ट और वर्ब का इन्वर्जन होता है। नॉर्मली सब्जेक्ट पहले आता है और वर्ब बाद में आती है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, लेकिन यदि कोई सेंटेंस नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है तो वर्ब पहले आएगी और सब्जेक्ट बाद में आएगा, ठीक है। तो नॉट अ वर्ड ही स्पोक के स्थान पर यहां पर सही जो फ्रेज होगा वो होगा नॉट अ वर्ड डिड ही स्पीक। चूंकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है इसलिए स्पोक इसमें सही है, लेकिन जब आप डिड इसमें लगा देंगे तो डिड के बाद ये फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी, नॉट अ वर्ड डिड ही स्पीक, ठीक है। तो इस तरीके से ये फ्रेज बनेगा, ए इसमें आपका सही आंसर होगा और फोर्थ इसमें आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पैराजंबल के क्वेश्चन की ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, अलग से मैं पैराजंबल के वीडियो क्लासेस भी लूंगा। पैराजंबल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सिंपल ट्रिक्स आपको अपनानी है, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, बहुत टाइम इसमें लगेगा। सबसे पहले आपको PQRS में से ऐसे सभी सेंटेंसेस को निकालना है जो फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकते। सबसे पहले आपको फर्स्ट सेंटेंस निकालना है जिसको हम टॉपिक सेंटेंस या टाइटल सेंटेंस भी बोलते हैं, और टॉपिक सेंटेंस को निकालने के लिए आपको ऐसे सभी सेंटेंसेस को अलग करना है जो फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकते। फर्स्ट सेंटेंस कौन से नहीं हो सकते, प्रोनाउन वाले सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकते, क्योंकि पहले नाउन आएगा फिर प्रोनाउन आएगा, ठीक है। बट या हाउएवर वाले सेंटेंस, कनेक्टर जिनको हम बोलते हैं, ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकते, ठीक है। दा वाले सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकते, क्योंकि दा के द्वारा हम किसी चीज को पर्टिकुलराइज करते हैं, पहले हम ए मैन बोलेंगे उसके बाद उसको हम दा मैन बोलेंगे, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को देखिए कि यहां पर हाउएवर आया है तो ये सेंटेंस फर्स्ट नहीं हो सकता, यहां पर पॉलिसी नहीं आया है, यहां पर दा पॉलिसी आया है, यानी इसका रेफरेंस पहले होगा, ये फर्स्ट नहीं हो सकता। यहां पर देखिए द नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, ये एक नाउन है, ये एक टाइटल है, तो ये सेंटेंस फर्स्ट हो सकता है। यहां पर देखिए दा फोकस दिया है, तो इसमें क्या सीक्वेंस बनेगा, पहले हम ये नाउन वाला सेंटेंस ले लेंगे क्योंकि इसमें नाउन को हमने डिस्क्राइब किया है, उसके बाद हम दा पॉलिसी, ये जो नाउन वाला सेंटेंस है इसको हम बोलेंगे दा पॉलिसी। यहां पर पॉलिसी का पूरा नाम दिया है यानी नाउन फॉर्म में दिए, यहां पर उसको हमने प्रोनाउन के फॉर्म में चेंज कर दिया है, मतलब उसको पर्टिकुलराइज कर दिया है। ये सेंटेंस फर्स्ट नहीं हो सकता, ये सेंटेंस फर्स्ट नहीं हो सकता, और इसका सीक्वेंस क्या होगा, पहले आर आएगा फिर क्यू आएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने किस तरीके से लॉजिक बताया, तो इसमें आंसर होगा आपका आर क्यू एस पी, ये है सही तरीका, ठीक है। मैं इसके अलग से वीडियो क्लासेस बनाऊंगा पैराजंबल की, जिसमें मैं आपको कठिन से कठिन पैराजंबल को सेकेंड्स में सॉल्व करना बताऊंगा किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें टू वाला सेंटेंस, ऑल्सो वाला सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकते, ठीक है। प्रोनाउन वाले सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकते, कनेक्टर वाले सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकते, ये सेंटेंस फर्स्ट नहीं होगा। इसमें बट दिया है ये फर्स्ट नहीं होगा, इसमें इफ दिया है ये फर्स्ट नहीं होगा, सेंटेंस स्टार्ट होगा यहां से, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं, ऑन एनी गिवन डे न्यूज़पेपर इन दिल्ली आर फुल ऑफ एडवर्टीजमेंट ल्यूरिंग होम बायर्स टू इन्वेस्ट इन गेटेड कॉलोनीज। अब इसका रेफरेंस फर्स्ट सेंटेंस यही हो सकता है क्यू, ठीक है। अब नीचे यदि आप ऑप्शंस में देखें तो क्यू का केवल एक ही ऑप्शन है, यानी इसमें आंसर फोर्थ ही हो सकता है। देखिए मैंने केवल एक सेंटेंस पढ़ा, विद इन सेकेंड इसका आंसर निकाल दिया, और ये सही तरीका है। देखिए यहां से अगर आपको थोड़ा सा और मैं बताऊं तो एक मैं लॉजिक बता सकता हूं कि न्यूज़पेपर में क्या निकलता है, न्यूज़पेपर में मकान के बारे में या हाउस के बारे में क्या निकलेगा, उसके ऑफर के बारे में बात की जाएगी। तो क्यू में हमने एडवर्टीजमेंट की बात की है और यहां पर हमने ऑफर की बात की है, ठीक है। तो उस तरीके से भी क्यू एंड एस का एक पेयर बनना है, यानी क्यू एस पी आर यहां पर आपका सही कॉम्बिनेशन बन जाएगा। देखिए ये इडियम्स के क्वेश्चन है, बॉडी एंड सोल का क्या मतलब है, बॉडी एंड सोल, शरीर और आत्मा, शरीर और आत्मा मतलब पूरा शरीर, इसका मतलब होता है कंप्लीटली, ठीक है।
गिव वन आ रोप, किसी को रस्सी देना, मतलब किसी को गलती करने के लिए गलती करने देना उसको. टू लेट समवन कमिट अ मिस्टेक, ताकि आप उस पर कोई काउंटर अटैक कर सके. ठीक है, तो फर्स्ट यहां पर सही आंसर इसका होगा. नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लैश एंड ब्लड. हमारे शरीर में क्या होता है, ब्लड होता है और फ्लैश होता है, मांस होता है. यानी फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होता है अ ह्यूमन बीइंग विद ह्यूमन इमोशंस. ठीक है, नीट एंड क्लीन दिया है. नीट एंड क्लीन को हम स्पिक एंड स्पान भी बोलते हैं, स्पिक एंड स्पान. बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड को हम टू एंड फ्रो बोलते हैं. एंगर मतलब गुस्सा, ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा फोर्थ. नेक्स्ट देखिए, गिव समबडी द एल्बो. गिव समबडी द एल्बो का मतलब होता है किसी को रिजेक्ट कर देना, कोई ऑफर दे उसको रिजेक्ट कर देना. और नॉर्मली रोमांटिक रिलेशनशिप्स के लिए इसका यूज होता है, जैसे किसी को प्रपोज कोई व्यक्ति करता है तो उसको कोई व्यक्ति रिजेक्ट कर देता है, तो उस सेंस में इसका ज़्यादा यूज होता है. तो यहाँ पर हम बोलेंगे थर्ड, एंड अ रोमांटिक रिलेशनशिप. ठीक है, फेस द म्यूजिक. फेस द म्यूजिक का मतलब आपने कोई गलती की है और अब आपको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी. यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक. तो सेकेंड इसमें आपका सही आंसर होगा. गुड फॉर नथिंग, जो व्यक्ति या वस्तु किसी भी चीज में अच्छा नहीं है, यूजलेस या वर्थलेस है, उसको हम बोलेंगे गुड फॉर नथिंग. नेक्स्ट हम देखते हैं, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट के कुछ सेंटेंस हैं. इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर वोकैबुलरी एंड टू इम्प्रूव योर स्टाइल, यू शुड रीड वाइडली एंड यूज अ गुड डिक्शनरी टू हेल्प यू टू फाइंड आउट. हेल्प के बाद हम टू प्लस बी वन नहीं लगाते. हेल्प, मेक और लेट, इनके बाद हम वी वन लगाते हैं केवल, या जिसको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव. तो हेल्प यू फाइंड, ऐसे बोलेंगे हम, हेल्प यू फाइंड. टू हेल्प यू फाइंड, एग्जैक्ट मीनिंग की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलराइज मीनिंग है, इसलिए दा ही आएगा, इसमें एन नहीं आएगा. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं. देखिए, समवन सेड द राइटिंग इज नाइस 99% हार्ड वर्क एंड 1% इंस्पिरेशन, एंड सो द सूनर यू गेट इन टू द हैबिट ऑफ डिसिप्लिनिंग योर सेल्फ टू राइट द बेटर इट इज. देखिए, एक स्ट्रक्चर होता है ग्रामर में, द सूनर द बेटर, मतलब जितना जल्दी होगा उतना अच्छा होगा. जैसे हम बोलते हैं द हार्डर यू वर्क द बेटर यू गेट, जितनी ज़्यादा कड़ी मेहनत आप करेंगे उतने अच्छे मार्क्स आपके आएंगे. ठीक है, द हायर यू गो द कोल्डर यू फील, मतलब जितने ऊपर आप जाएंगे उतनी ज़्यादा ठंड आपको लगेगी. तो यहाँ पर वही स्ट्रक्चर है, द सूनर लगा हुआ है, तो द सूनर के लिए यहाँ पर जो आएगा वो आएगा द बेटर. ठीक है, द बेटर, देखिए बेटर भी दिया है इसमें, लेकिन बेटर ना आते हुए इसमें होगा द बेटर. काफ़ी क्लोज है ये क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी देखने को आपको मिलेंगे. द अर्ली राइजर इज एबल टू कंप्लीट अ लॉट ऑफ वर्क बिफोर अदर्स इवन गेट आउट ऑफ देयर बेड, मतलब अर्ली राइजर जो होता है, जो जल्दी उठता है, वो दूसरों से पहले काफ़ी काम निपटा लेता है, उससे पहले कि बाकी सारे लोग उठ भी नहीं पाते, उससे पहले ही वो काफ़ी सारे काम निपटा लेता है. इवन अदर्स गेट आउट ऑफ देयर बेड. तो गेट यहाँ पर सही है, ये सेंटेंस सही है, और इसमें आंसर होगा आपका नो इम्प्रूवमेंट. जब आप रीडिंग करेंगे रेगुलर बेसिस पर, रीडिंग करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आप देखते ही उसको आप सही आंसर आप लगा देंगे. ये कुछ स्पेलिंग के क्वेश्चन है. रेंडूवस, सही स्पेलिंग क्या है, RENDEZVOUS, ये इसकी सही स्पेलिंग है. रेंडूवस होता है मीटिंग पॉइंट. जुबिलेंट, बहुत ज़्यादा खुश. जुबिलेंट में ई नहीं आता, इसकी स्पेलिंग होगी, इसमें जेड भी नहीं आता, JUBILANT, ये इसमें सही स्पेलिंग होगी. निहिलिस्ट, ये क्या होता है, अ डिसलॉयल पर्सन हु बिट्रेड और डिजर्ट हिज कॉज, रिलीजन, पॉलिटिकल पार्टी और फ्रेंड. डिसलॉयल व्यक्ति, देखिए आइकोनोक्लास्ट होता है जो आइकॉन्स को तोड़ देता है, जो ऑर्थोडॉक्स नहीं होता. एग्नोस्टिक, जिसको डाउट है कि गॉड का एग्जिस्टेंस है या नहीं. निहिलिस्ट, जो लाइफ को मीनिंगलेस मानता है. एपोस्टेट, इसका सही आंसर आपका होगा. वन हू कैन चेंज हिज पार्टी, देखिए फास्टिडियस होता है जिसको खुश करना बहुत मुश्किल है. इरुडाइट, स्कॉलर होता है. पेडेंट, जो जो शो ऑफ करता है अपनी नॉलेज को.
तो टर्नकोट यहां पर सही आंसर आपका होगा। तो इस तरीके का पेपर आपको देखने को मिलेगा सीजीएल में और सीएचएसएल में। ये मॉक टेस्ट सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं और प्रिंट टू पैरामाउंट जो ग्रामर की बुक आती है उसका पूरा सॉल्यूशन भी मैं बना रहा हूं, तो उसको भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराऊंगा यूट्यूब पर। और ये मॉक टेस्ट सीरीज चलती रहेगी। इस मॉक टेस्ट के इसको एक प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा, उस पूरी प्लेलिस्ट को देखें। और इस चैनल के सारे वीडियो क्लासेस, बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, उनको आप देखें, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। और यदि 100% आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं इंग्लिश सेक्शन में, आप 90% स्कोर करना चाहते हैं, तो आप मेरी पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं examini.in। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूंगा। और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो कमेंट आप जरूर करें, मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ। और इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो क्लास में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।